गिरिडीह सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी संजय साव को धनबाद निगरानी विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। निगरानी विभाग की टीम ने राजस्व कर्मी को 3500 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। दरअसल राजस्व कर्मी के खिलाफ सदर प्रखंड के महेश लुंदी के रहने वाले सुरेश साव ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने कहा था कि सदर प्रखंड के करहर बारी के एक प्लॉट के म्यूटेशन करने के नाम पर उससे 5000 रुपयों की मांग की जा रही है। कर्मी की मांग पर सुरेश साव ने पहले 1000 रुपए, इसके बाद 500 रुपए दिए। इसके बाद भी आरोपी कर्मी म्यूटेशन देने के नाम पर टाल मटोल करता रहा। साथ ही कर्मी ने बाकी के 3500 मिलने के बाद ही म्यूटेशन देने की बात कही। पूरे मामले की जानकारी धनबाद निगरानी विभाग के पदाधिकारियों को दी गई। इस बीच बकाया 3500 देने के लिए एक दिन तय हुआ। तय दिन पर टीम पहुंची और कार्रवाई करते हुए संजय साव को रंगे हाथों धर दबोचा। पहले कितना मांगा था? 5000। वो 5000 का डिमांड था, अब 3500 में तय हुआ। नहीं, 5000 में तय हुआ, आज 3500 दिया। पूरा 5000 दे दिया था? नहीं, पूरा तय कितना में हुआ था? 5000 में। और आज पूरा पेमेंट कर दिया था? 1000 पहले दिया था और 4000 आज दिया। उसके बाद आज दिया 3500। कितना दिन से दौड़ा रहा था? फिलहाल निगरानी विभाग की टीम राजस्व कर्मी को पकड़ कर ले गई और आगे की कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गिरिडीह से दिनेश की रिपोर्ट।